बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया ने एक नया बिल पास कर दिया है जिसमें री एंट्री वीज़ा और इसके अलावा जो रेजिडेंसी रीन्यूअल फ़ीस है इसको डबल करने का ऐलान कर दिया है। याद रहे वो ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया से बाहर हैं उनकी अब री एंट्री वीज़ा और रेजिडेंसी रीन्यूअल जो फ़ीस होगी वो डबल होगी। अब वो डबल किस तरह से होगी, अगर मैं नीचे की तरफ आपको दिखा सकूं मज़ीद जो डिटेल्स हैं यहाँ पर हमें शो करता है अ न्यू अमेंडमेंट अप्रूव्ड बाय द सऊदी कैबिनेट डबल द फीस फॉर रिन्यूअल एग्जिट एंड री एंट्री वीज़ा इन केस वेयर द रेजिडेंट्स आर आउटसाइड द किंगडम। इस सूरत में फ़ीस डबल होगी जब गैर मुल्की आउटसाइड यानी कि सऊदी अरेबिया से बाहर अपने मुल्क में होगा। फिर इसके बाद फ़ीस कितनी डबल हुई है, द न्यू अमेंडमेंट स्टेप्यूलेट दैट द एग्ज़िट एंड रिटर्न वीज़ा फ़ीस इज़ सऊदी रियाल 200 है फॉर अ सिंगल ट्रिप, एक ट्रिप के लिए सिंगल साइड के लिए 200 दिरहम और 200 सऊदी रियाल है फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स यानी कि 2 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसकी 200 सऊदी रियाल फ़ीस होगी। और इसके बाद अगर आप ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं, 1 महीना मज़ीद रहना चाहते हैं, तो फिर पर मंथ यानी कि जो एडिशनल 1 मंथ की फ़ीस होगी वो सऊदी रियाल 100 जो सऊदी रियाल हैं वो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी जो फ़ीस हो जाएगी वो डबल होगी। इफ़ द रेजिडेंस इज़ इनसाइड द किंगडम यानी कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है एंड इफ़ द रेजिडेंस इज़ आउटसाइड द किंगडम द फीस फॉर द एडिशनल मंथ विल बी डबल्ड यानी कि अगर सऊदी रियाल जो गैर मुल्की है वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है तो फिर सऊदी रियाल 200 प्लस अगर कोई मज़ीद 1 महीना यानी कि ज़्यादा स्टे करना चाहता है तो उस 1 महीना ज़्यादा का सऊदी रियाल जो 1100 मज़ीद ऐड करना होगा। अगर यही तो गैर मुल्की सऊदी अरेबिया से बाहर मौजूद है तो इस सूरत में उसको 200 प्लस अगर कोई गैर मुल्की सऊदी अरेबिया से बाहर मौजूद है और इसके बाद उसको 100 की बजाय 200 फीस यानी कि एडिशनल मंथ की ऐड करना होगी। अगर सऊदी अरेबिया में मौजूद है तो वो 100 है, अगर बाहर है तो 200 ऐड करना होगी। फिर इसके बाद भी अब बात बारी आ जाती है मल्टी इंट्री ट्रिप्स की, द फीस फॉर मल्टी इंट्री ट्रिप्स इज़ सऊदी रियाल 500 है फॉर अ 3 मंथ पीरियड यानी कि 3 मंथ के लिए जो मल्टी इंट्री ट्रिप्स की फ़ीस है वो 500 सऊदी रियाल है एंड सऊदी रियाल 200 फॉर ईच एडिशनल मंथ यानी कि 3 मंथ के बाद अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में मज़ीद 1 महीना और गुजारना चाहता है तो इस सूरत में उसको पर मंथ का एडिशनल पर मंथ का 200 सऊदी रियाल मज़ीद देना होगा। इफ़ द रेजिडेंस इज़ इनसाइड द किंगडम अगर वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, अगर यही गैर मुल्की सऊदी अरेबिया से बाहर मौजूद है तो इस सूरत में उसको ये फ़ीस डबल पे करना होगी। ईच मंथ की 200 की बजाय 400 है और मल्टी इंट्री जो ट्रिप्स की फ़ीस है वो 500 की बजाय 1000 होगी। तो इस तरह से आपकी जो फ़ीस है वो मल्टी इंट्री वीज़ा और रेजिडेंट जो वीज़ा है इसकी डबल आपको पे करना होगी। तो भाई ये जो नया बिल है सऊदी अरेबिया की पार्लियामेंट में ये कैबिनेट ने पास किया है तो इस तरह से अगर आप बाहर मौजूद हैं मल्टी इंट्री वीज़ा और रेजिडेंस वीज़ा की जो फ़ीस है सऊदी अरेबिया से बाहर मौजूद अफराद के लिए डबल कर दी गई है और इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये जो फ़ीस है ये नॉर्मल ही रखी गई है। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।